धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा भवन में चार दिनों की शीतकालीन सत्र का कार्यक्रम तय हो गया है। पहले दिन 9 जनवरी को सुबह 11 बजे विधानसभा के नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं 10 जनवरी को सुबह 11 बजे विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद दोपहर बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 11 जनवरी को सबसे पहले शोकोद्वार होगा। इसके बाद शासकीय विधायी कार्यों के अलावा विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। इसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। सत्र के अंतिम दिन 12 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी और प्रथम सत्र का समापन होगा। उधर नई सरकार के स्वागत के लिए हिमाचल प्रदेश की दूसरी विधानसभा तपोवन को सजाने संवारने का काम इन दिनों जोरों शोरों पर चल रहा है। 9 से 12 जनवरी तक चलने वाले 13वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में हिस्सा लेने आ रही नई सरकार के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए जिला प्रशासन ने कदम ताल कई दिनों पहले से ही शुरू कर दी थी। तपोवन विधानसभा भवन सहित पूरे परिसर में रंग रोगन और अन्य कार्य पूरे चरम पर हैं। नई सरकार बनने के बाद धर्मशाला में ही नई सरकार का पहला शीतकालीन विधानसभा सत्र हो रहा है। ऐसे में इस मौके को यादगार बनाने के लिए प्रशासन कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। हिमाचल की नई नवेली सरकार व नए मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में धर्मशाला शहर को सजाने संवारने का काम जोरों शोरों पर शुरू है। इस बार विधानसभा भवन सहित बाग बगीचों को चकाचक करने में विधानसभा सचिवालय सहित लोक निर्माण विभाग व अन्य विभागों के कर्मचारी जुट गए हैं। 9 से 12 जनवरी तक चलने वाले विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधानसभा परिसर में रंग रोगन बाग बगीचों की कटाई छिटाई सहित साफ सफाई का काम जोरों से चल रहा है। इसके अतिरिक्त सड़कों को चकाचक करने व पुलों में रंग रोगन करने के साथ साथ ही धर्मशाला शहर को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ऐसे में इस मौके को यादगार बनाने के लिए प्रशासन कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। इसके अलावा मुख्यमंत्री के ठहरने के स्थल सर्किट हाउस सहित मंत्रियों के लिए बनाए गए भवन को भी सजाया जा रहा है। वर्ष 2012 में विधानसभा चुनावों के बाद भी प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद शिमला में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद तपोवन में ही सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी। चीलगाड़ी स्थित सर्किट हाउस के न्यू ब्लॉक में 22 कमरों का भवन बनकर तैयार है, जहां सीएम व उनके स्टाफ से लेकर मंत्रियों और सीपीएस के ठहरने के लिए व्यवस्था होगी। यह पहला मौका होगा कि जब विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रियों के ठहरने की व्यवस्था इसी भवन में की जा रही है। शासन की ओर से क्या क्या तैयारियां सर हो चुकी है? शीतकालीन सत्र के मद्देनजर जो आने वाले दिनों में भी प्रारंभ होने जा रहा है धर्मशाला में तपोवन में, उसके मद्देनजर हमने पूरी तैयारियों का खाका तैयार कर लिया है और उसकी तैयारियां हम जोरों शोरों से कर रहे हैं। विशेष तौर पर जो तपोवन में हमारा विधानसभा जो भवन है वहां पे सारी तैयारियां जो है उसको अंतिम रूप हम दे रहे हैं, और इसके अलावा जो भी सुरक्षा की दृष्टि से भी जो भी इंतजाम हमें करने होंगे उसका भी हम पूर्ण रूप से ब्यौरा तैयार कर रहे हैं और उसको सुरक्षा बलों की तैनाती उसी प्रकार से कर ली जाएगी। और प्रशासन और अन्य जो विभागीय कार्यालय हैं उन्होंने पूर्ण रूप से इसके लिए मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और हमें आशा है कि वो विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से पहले ये सारी तैयारियां पूर्ण कर लेंगे। इस बार सर जो कैबिनेट मंत्री हैं और उनका रहने की व्यवस्था कहाँ रहेगी सर इस बार? वैसे तो हमारा जो सर्किट हाउस नया सर्किट हाउस बनकर तैयार है वहां पर भी हमने लगभग पूर्ण तैयारियां कर ली हैं, और उसके अलावा भी जो विगत में हम तैयारियां रखते हैं अन्य स्थानों पर भी हमारे पास जो रेस्ट हाउसेज हैं सरकारी विभिन्न विभागों के उस पर भी हम उसकी इंतजाम करेंगे। तो वैसे हमने अपना सरकार और सुनाया है वो बिल्कुल तैयार कर लिया है। थैंक यू वेरी मच सर।